देखिए नो प्रॉब्लम बेटा, नाउ सॉल्यूशन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अपना मतलब कॉस 4x dx, अगर डिफरेंशिएशन होता देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट स्टिल आपका नाउ देखा दिस इक्वल टू अपना कॉस स्क्वायर एक्स का आपका देखो ना दिस This cos की पावर 4x was converted into cos square x का 2 2 आपका देखो 4 हो गया। Now अब आपका ना देखो दिस ये फॉर्मूला अप्लाई है। फॉर्मूला अप्लाई ये है देखिए आपका ना दिस तो ना दिस 1 plus cos 2x upon 2 का होल स्क्वायर और आपका देखो dx। If any question which is related नहीं चलेगा। So you write please in a left and right parenthesis. ये बिल्कुल आपका देखो। Now where a is equal to here 1 and b is equal to आपका देखो ना जैसे cos 2x equal to this integration है। ये 1 by 4 को अगर आप देखें 2 का square मैंने बाहर लिख दिया। It is common for all. ना देखो 1 का square plus 2 into 1 into देखो cos 2x and आपका देखो ना plus ये देखो cos 2x का whole square पढ़ता हूँ dx आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके सामने है 1/4 सॉरी 1 प्लस 2 cos 2x अपर ए एक्चुअल ए ऐसे है एक्चुअल में ये देखो 1/4 ये देखा था इंटीग्रेट ये पूरा है ना देखो प्लस ये 1 है सॉरी ये 1 प्लस आपका हो गया ना cos स्क्वायर अपर 2 अब आप इसको अगर देखेंगे देखो 1/4 हो गया 1/4 बन जा 1/4 हो गया देखिए आपका ना ये आपका देखो प्लस इंटीग्रेशन अगर आप सब अंदर ले जाएंगे तो ना देखो दिस 2 cos 2x अपॉन देखो आपका 4 एंड प्लस दिस 1/4 cos स्क्वायर देखो आपका 2x और देखो 3x तो दिस इज 1/2 ये भी हो जाएगा आपका लेकिन अगेन देखिए अगेन ये cos स्क्वायर आपका देखो ना 2x से बड़ा होता है इसका मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें आपका देखो cos 4x को आप क्या लिख सकते हैं देखो cos 2 into 2 तो cos 2x इज इक्वल क्या हो जाता है क्या होता है ना देखो ये आपका दिस 2 cos स्क्वायर आपका x x होता 2x माइनस 1 तो देखो दिस तो ना ये क्या हो जाएगा cos 4x plus 1 इक्वल टू देखो ना 2 cos स्क्वायर 2x ना देखो दिस तो cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1/2 ना देखो दिस cos 4x कुछ कुछ हो रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा दिस द 1/4 देखो ना प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/4 और cos स्क्वायर 2x को देखो अगेन What you can make? 1 upon 2 cos 4x of plus 1. So, if integration of this is 1/4 plus the good cos 2x by 2 or plus ये आपका कितना होगा 1/8 इसके साथ हो गया ना दिस का cos 4x एंड आपका प्लस 1/4 आपका देखो ना दिस ठीक है क्लियर है देख लो चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं वन बाई फोर आपका कहता हूँ 1/2 चेक कर लीजिए 1 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x की जगह में आपका जो हो गया और अगर कभी दिक्कत करता ना देखो
कभी कभी दिक्कत करता था, देखो आपको लगती, फिर मैं मिटा रहा हूँ, देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ। इस 1/4 को आप कैसे रहेंगे अगर एक प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रहा है अभी बिगिनिंग में, देखो ना इंटीग्रेशन ऑफ ये वन ऐसे लिखेगा ना, देखो प्लस ये आपका 2 cos 2x, इसको ऐसे लिखेगा cos square 2x की जगह में आपका देखो ये क्या हो जाएगा, हाफ cos 4x प्लस ये ऐसे, और ये आपका देखो ये अभी भी देखो आपका ना ये हो गया 1 प्लस देखो आपका 2 cos 2x प्लस ये cos 4x अपॉन ये 2 और प्लस ये देखो आपका हाफ। अब आपको दिक्कत ही नहीं होगी, हो सकता है इन दैट स्टेप आपको कहीं दिक्कत आ रही है। अब आपका ये हो गया दिस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो कॉन्स्टेंट को एक साथ लिख दीजिए, हाफ प्लस 1 इज 3/2, 2 × 1 = 2 ये देखो दिस इज 3/2 एम आई राइट सर, नाउ देखो दिस तो नाउ cos 2x और प्लस ये आपका देखो इसके लिए आपका 1/2 आपका नाउ देखो दिस cos 4x आपका 8x। अब नाउ सेपरेट, अब यहां आपका नाउ यू कैन सेपरेट दिस तो 1/4 तो 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx नाउ प्लस 2 से आपका 2 जा 4 हो जाएगा तो 2 cos 2x अपॉन देखो 4 इंटीग्रेशन और देखो आपका dx नाउ प्लस 1/4 1/2 1/8 आपका इंटीग्रेशन ऑफ नाउ देखो cos 4x ये देखो। अब आपको कहीं से कहीं तक ये आपको हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा तो नाउ देखो 3/8 है सर ना, अब दिस इज 3/8 एंड 1 dx का क्या हो जाएगा x हो गया ना प्लस, इससे ही आपका वो 2 times इट्स क्लास cos 2x का क्या हो जाएगा सर, ये 1/2 आपका ही आ जाएगा तो इंटीग्रेशन है अब cos 2x तो cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2x का फिर क्या होगा, इज इट क्लियर सर ना प्लस ये 1/8 आपका ये हो गया सर और फिर आपका cos 4x का क्या हो जाएगा सर sin 4x एंड अपॉन अगेन 4x का क्या हो जाएगा 4 तो ना देखो दिस तो दिस 3/8x प्लस sin 2x अपॉन 4 या 1/4 sin 2x प्लस sin 4x अपॉन 4 × 8 = 32 एंड प्लस से दिस विल बी योर आंसर फाइनली 3/8x प्लस sin 2x/4 प्लस sin 4x अपॉन 32 इसमें द मेन थिंग आपका नाउ वाज व्हाट कि wherever the cos square x is coming or cos square 2x that was converted जैसे first cos 4 की इसको आपको क्या लिखा अपने में cos square x का ये लिखा फिर again here ये यहाँ पे आपका cos square 2x आएगा again by this formula आपने देखो इसको convert करके इसमें आपका convert कर दिया उसके बाद constant constant को plus करके बाकी तो everything is same do it sir got it